हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही जबरदस्त और ऑसम टीम आपकी इसमें हेल्प कर रही है और आप अपने नोट्स बहुत अच्छे से बना रहे होंगे। ठीक है, तो आज जो हम देखने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त रिविजन देखने वाले हैं और रिविजन में हम जो देखेंगे वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन वाला जो चैप्टर है हमारा वो, इसके अलावा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अपन थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से जो माइग्रेशन हो रहा होता है वो किस तरीके से हो रहा है और किस किस एनिमल या किस किस बर्ड्स के अंदर हो रहा है उसके बारे में हम समझेंगे। इसके अलावा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो भी एनिमल्स वगैरह सर्वाइव कर रहे हैं तो उसके लिए उनके पास में कौन कौन से हैबिटेशन है या कौन कौन सी हैबिटेट है जिनकी वजह से वो इजिली सर्वाइव कर रहे हैं। तो आज अपन सबके बारे में फटाफट जल्दी जल्दी से चर्चा करेंगे और बहुत ही प्यारा रिविजन रहेगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। फटाफट से इस काम को कर दीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जल्दी 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 है ना, इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे फटाफट से। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया हुआ है पहले भी कि आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को सिंपल सा काम करना है, गूगल प्ले पे जाना है, वहां जाने के बाद आपको टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना होगा। ओके, टेलीग्राम को डाउनलोड करने से क्या फायदा होगा कि आप लोग इजीली इस बात को फॉलो करने के बाद में आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर चुके होंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चुके होंगे, जिससे कि आपको यहां पे इजीली जो भी स्टडी मटेरियल हमारी टेक्निकल टीम ने आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है, एज अ सैंपल पेपर्स की मैं बात कर सकता हूं, डीपीपी की बात कर सकते हैं और बहुत कुछ आप यहां पे इजीली एक्सेस कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए विदाउट एनी कॉस्ट। बस आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को सिंपल सा काम ये करना है कि आप लोगों को ये पाथ फॉलो करना है जो कि है t.me/ttb07। ये सेवंथ क्लास वालों के लिए, सभी क्लासेस के लिए अलग अलग टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं जिनके लिए वहां पे उनके पास में अपने उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग उनका जो स्टडी मटेरियल होता है उनके पास में पहुंच चुका होता है। आगे बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है और भी जबरदस्त तैयारी करने के लिए क्या करना होगा, आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना होगा जो कि है www.talkingtextbooks.in। ठीक है, अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल बना हुआ है या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो क्लास के लिए दिया हुआ है ये सभी क्लासेस के लिए है बेटा। आपको आपके रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा जिसमें आप लोगों को मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटीरियल, बाई वीकली क्विजेस, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो सब आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले हैं। और आप लोगों को क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप डायरेक्टली कहाँ पे आ जाएंगे, इस वाले पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। लेकिन इस डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, ये छोटा सा कोड यूज करना है जो कि है VR Live। क्या है, VR Live है। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो जो 9000 है वहां पे अमाउंट पूरा, इसका जो 30% डिस्काउंट होगा वो हो जाएगा 2700 और आपका जो पेबल अमाउंट रहेगा वो रहेगा ओनली 6300। ठीक है, अब आप जैसे ही बाय पैकेज पे क्लिक करेंगे आप अपनी सुविधा अनुसार अपना पेमेंट कर सकते हो बेटा इजीली। ठीक है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहे तो आप यहाँ पे जो नंबर दिए हुए हैं आप यहाँ पे कॉल करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ा ही रहा हूं, आप लोगों को पता है बहुत अच्छी तरीके से। और इसके बाद में आता है हमारा कार्डिनल प्रॉमिस। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. I promise to listen to the complete lecture. फटाफट इसको करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, रिविजन वाला पार्ट है आज हमारा, रिविजन ओनली रिविजन देखेंगे अपन, है ना। हो गया बेटा,
चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज जो हम देखने वाले हैं ज्ञान सीरीज का थर्ड लेक्चर, ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं और एक बार फिर से हम यहां पे देख रहे हैं कि हैबिटेट का मीनिंग क्या होता है। मैंने आप लोगों को पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है, फिर से एक बार हम बात करते हैं हैबिटेट के बारे में। ऐसा प्लेस जो हमें रहने के लिए हमारी जरूरत की हर रिक्वायरमेंट हमारी पूरी कर रहा हो, सिंपल सी बात है। तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है, हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर The condition are favorable for an organism to live. Next हम बात करें breed and flourish. भाई कहने का मतलब क्या है? वहाँ पे हमारी जो species वगैरह है वो easily आगे बढ़ सके, वहाँ पे जो जो भी plants वगैरह हो रहे हैं उनको हम easily खा सके, वही चीज़ यहाँ पे है। The weather and climatic condition. अब हम next बात करते हैं जो वहाँ की weather और climate की जो condition है वो भी हमारे लिए favorable रहनी चाहिए, ठीक है। जैसा कि गर्मी आता है तो हम थोड़े से हल्के कपड़े पहनना स्टार्ट करते हैं, मतलब कॉटन वगैरह ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं। सर्दी की अगर हम बात करते हैं तो सर्दियों के टाइम पर हम स्वेटर वगैरह यूज करने लग जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें टाइप्स ऑफ हैबिटेट ऑन अर्थ, दो टाइप का होगा, पहला हम बात करते हैं इक्वेटिक हैबिटेट और दूसरे की हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ओके, अब इक्वेटिक का सिंपल सा मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि इसका सिंपल सा मतलब किससे रिलेटेड है बेटा, H2O यानी कि वाटर से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा? वाटर से रिलेटेड होगा, जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं मेराइन है और फ्रेश वाटर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा वेल वगैरह की मैं बात करता हूँ, सीवीड्स की मैं बात कर सकता हूँ। अरे भाई ये कहाँ पे मिलते हैं? ये पानी के अंदर ही तो मिलते हैं ना। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि हम वाटर से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो ये है कहाँ, ये जो फिश वगैरह है ये है कहाँ, ये वाटर में तो मिलेगी हमें, ठीक है। तो ये वाला जो हैबिटेट होगा, जो एक्वेटिक हैबिटेट होगा, उसका रिलेशन किसके साथ में होगा? उसका रिलेशन होगा वाटर के साथ में। नेक्स्ट हम बात करें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में तो ग्रासलैंड की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, एग्जांपल लर्न करना है, एग्जांपल लर्न करना है, लर्न करना है, लर्न करना है, क्योंकि एग्जांपल ही आएगा कि इसका रिलेशन किसके साथ में है, इसका रिलेशन किसके साथ में है, वहां पे आप लोगों से एग्जाम्पल ही पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। जेब्रा की हम बात कर सकते हैं, जिराफ वगैरह है, मंकी वगैरह है, कैमल्स वगैरह है, कैमल्स की हम बात करते हैं तो क्या होता है, शिप ऑफ द डेजर्ट, कौन होता है वो? भाई रेगिस्तान का जो जहाज है, ठीक है, रेगिस्तान के अंदर जो सबसे अच्छे से या बहुत ही जिसको कोई तकलीफ ना हो, ठीक है, उन तो वो जो ऑर्गेनिज्म है या जो वो एनिमल है वो क्या है? कैमल, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें टुंड्रा, देखिए जहां पे स्नो वगैरह रहे, ठीक है ना, तो वहां पे कौन रहेगा? पेंगुइन वगैरह हो जाएंगे, पोलार बियर वगैरह हो जाएंगे। माउंटेन की हम बात करें, जहां पे क्या हो? अरे भाई सिंपल सी बात है, माउंटेन का मतलब क्या हो गया? उबड़ खाबड़ वाली जगह, ठीक है ना, पर्वत श्रृंखलाएं वाली जगह, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिज्म माउंट जैसे गोट्स हैं, याक वगैरह हैं, शिप वगैरह हैं, पाइंस वगैरह है, फटाफट से एज इट इज देखिए, पाइंस वगैरह की अगर हम बात करते हैं ना तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं पेड़ पौधे की में काउंट करते हैं, ठीक है ना, प्लांट्स वगैरह में हम काउंट करते हैं, एज इट इज इसको उतार लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चले आगे, लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में देखा हुआ है, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स की अपन बात कर रहे हैं। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड क्लाइमेट एंड वेरी हॉट क्लाइमेट, देखो वेरी कोल्ड क्लाइमेट से यहाँ पे हम बात कर सकते हैं पोलार बियर के बारे में, पेंगुइन वगैरह के बारे में, ठीक है ना। बहुत ज्यादा ठंडी जगह होती है, बहुत ही ज्यादा ठंडी जगह होती है, हम इजीली वहां पे रह ही नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बहुत ही ज्यादा गर्म, जैसे कि कैमल वगैरह के हम कैमल के बारे में हम लोगों ने बात करी। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड क्लाइमेट एंड वेरी हॉट क्लाइमेट शुड हैव स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट एंड कोल्ड।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें पोलराइजेशंस वगैरह के बारे में, तो पोलराइजेशन के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, फटाफट से एक बार वापस देखते हैं। जहां का टेम्परेचर बहुत कम हो, कहने का मतलब बर्फबारी हमें देखने को मिले, स्नो वगैरह वहां पे हमें देखने को मिले, द पोलर रीजन आर वेरी कोल्ड फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर एंड द टेम्परेचर्स आर लो एज -37 डिग्री सेंटीग्रेड। कहने का मतलब यह है कि जीरो पे तो हम जानते हैं, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो वहां पे पानी जो होता है वो बर्फ जम जाता है। जब यहाँ पे -37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो बर्फ ही बर्फ नजर आएगी हम लोगों को। सम ऑफ द एनिमल फाउंड इन द पोलर रीजन आर पोलर बियर है, पेंगुइन वगैरह की हम बात कर सकते हैं, साइबेरियन वगैरह की हम बात कर सकते हैं, फॉक्सेस वगैरह है, ठीक है। एज इट इज इसको उतार लीजिए फटाफट से बेटा। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो एनिमल्स वगैरह होंगे वो ठंडी जगह पे भी इजीली रह सकते हैं और हॉट जगह पे भी बहुत इजीली रह सकते हैं। अब इनके पास में कुछ ना कुछ ऐसे हैबिट, इस तरीके से इनकी फीचर्स वगैरह होगा जिसकी वजह से इजीली वहां पे सर्वाइव कर रहे होंगे। पेंगुइन वगैरह की अगर अपन बात करें या पोलर बियर की अगर अपन बात करें तो इनकी बॉडी जो होती है फैट ज्यादा होता है, और आप लोगों को पता है, हम लोगों ने पढ़ा है 6th क्लास के अंदर न्यूट्रिएंट्स वाला चैप्टर, तो वहां पे आप लोगों को पता होगा कि जिसकी बॉडी के अंदर जब फैट ज्यादा होता है तो वो एज ए इंसुलेटर वर्क करता है। कहने का मतलब उनकी बॉडी कैसी रहती है, गर्म रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में, लेकिन उससे पहले एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, बताइए फटाफट से। द ट्रॉपिकल रीजन हैव अ हॉट क्लाइमेट, द मिनिमम टेम्परेचर इज मोर देन 15 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई सबसे कम जो होगा वो, कहने का मतलब जहां पे गर्मी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो अपन लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि ये जो एनिमल्स हैं ये कहां रहेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर ही रहेंगे। द डेज एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ, दिस रीजन ऑल्सो हैव प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। नेक्स्ट हम बात करें द ट्रॉपिकल रीजन इन इंडिया, द वेस्टर्न घाट्स एंड आसाम। इन द वर्ल्ड द ट्रॉपिकल रीजन आर साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द कॉमन एनिमल फाउंड, जो कॉमन एनिमल्स, जो एनिमल्स होंगे वो क्या होंगे, जैसे गोरिला वगैरह है, लायन वगैरह की हम बात कर सकते हैं, टाइगर है, ठीक है ना, एलिफेंट्स वगैरह हो जाएंगे, लिपर्ड्स वगैरह हो जाएंगे। तो फटाफट से भाई जो कॉमन, एक तरीके से जो हर रीजन में इजीली सर्वाइव कर ले, ठीक है। जैसा कि हम जहां पे रह रहे हैं तो एक तरीके से इनके लिए भी वही जो हैबिटेट होगा इनके लिए सर्वाइवल होगा, ठीक है। फटाफट से देख लीजिए, एलिफेंट्स वगैरह की हम बात कर सकते हैं, लिपर्ड्स वगैरह की हम बात कर सकते हैं, लायन वगैरह है, ठीक है ना, मंकी वगैरह की हम बात कर सकते हैं। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फटाफट से अडेप्टेशन ऑफ साइबेरियन क्रेन की अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता होगा द साइबेरियन क्रेन
must keep its body warm to survive in winter. So during winter it migrates. ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने माइग्रेशन पहले पढ़ा था ना कि माइग्रेशन का मीनिंग क्या होगा, जो मूवमेंट होगा. माइग्रेशन का सिंपल सा मतलब क्या होगा, मूवमेंट होगा. द साइबेरियन क्रेन मस्ट कीप इट्स बॉडी वार्म टू सर्वाइव इन विंटर. सो ड्यूरिंग विंटर इट माइग्रेट्स टू द फार अवे वार्मर प्लेसेस. नेक्स्ट हम बात करें साइबेरियन क्रेन्स के बारे में. साइबेरियन क्रेन्स कम्स टू प्लेस इन इंडिया लाइक भरतपुर in Rajasthan and Sultanpur in Haryana to escape from the extreme winter in Siberia. फटाफट से एज इट इज को लिख लीजिए. हम कहते हैं ना कि कुछ ही टाइम के लिए वहां पे हमें दिखाई देते हैं, तो वो माइग्रेशन के बाद में हमें यहां पे नजर आते हैं, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फटाफट से. पोलार बर्ड्स की अगर हम बात करें, द पोलार बर्ड्स आर द साइबेरियन क्रेन एंड आर्कटिक टर्न की हम बात कर सकते हैं. जैसा कि आपको यहां पे नजर आ रहा होगा, ये तो साइबेरियन अभी से पहले हम लोगों ने पढ़ा था, और ये हो जाएगा हमारे पास में आर्कटिक टर्न. द सीजनेबल मूवमेंट ऑफ द कंप्लीट पॉपुलेशन ऑफ द एनिमल फ्रॉम वन एरिया टू अनदर इज टर्म एज माइग्रेशन. कहने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ये जा रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, दैट इज नोन एज माइग्रेशन. द बर्ड्स इन पोलार रीजन कैन नॉट टॉलरेट एक्सट्रीम कोल्ड ऑफ द विंटर, देयरफॉर दे माइग्रेट. क्योंकि ये क्या है, ये जो सर्दी का मौसम होता है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे. ठीक है, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे तो कहीं ना सर्वाइव तो करना जरूरी ना, ऐसा थोड़ी ना कि भाई मर जाएंगे. ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए एक बहुत बड़ी मात्रा में क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट हम बात करें माइग्रेशन, जो कि आप लोगों को यहां पर नजर आ रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे, और कौन कहां पर जाएगा वो भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है. पहले आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे. जैसा कि टू मूव फ्रॉम द वन लोकेशन टू द अनदर वेन द सीजनेबल चेंजेस. कहने का मतलब यह है कि किसी भी टाइप का जो सीजनेबल चेंज हो रहा है और उसकी वजह से जो बर्ड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं. फर्स्ट नंबर पे हम बात करें जैसे कैनेडियन गीज वगैरह की अगर हम बात करें, तो ये कहां चले जाएंगे, मैक्सिको है या सेंट्रल अमेरिका है. नेक्स्ट हम बात करें आर्कटिक टर्न्स की अगर अपन बात करते हैं, तो ये कहां चले जाएंगे, अंटार्कटिका. नेक्स्ट हम बात करें गोल्डन जो हमारे पास में है, वो 3 दिन के अंदर अंदर कितनी दूरी तय कर लेंगे, 2000 माइल्स की जो दूरी होती है उसको कवर कर लेते हैं. ठीक है, चले आगे. ये है हमारे पास में माइग्रेशन. नेक्स्ट हम बात करें अडेप्टेशन ऑफ लॉयन एंड टाइगर. जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा, लॉयन एंड टाइगर पहले एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद में बढ़ते हैं आगे. देखिए बेटा, लायंस एंड टाइगर हैव थिक ब्राउन स्किन विच हेल्प देम टू हाइड इजीली इन द फॉरेस्ट. जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इनकी जो स्किन होती है, ये इसकी वजह से इजीली अपने आप को क्या कर लेते हैं, छुपा लेते हैं. ठीक है, इजीली हमें नजर नहीं आते. हाँ,
भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई इजीली से, मतलब ये नहीं कि जैसे मान लीजिए कहीं पे प्लांट्स वगैरह हैं तो वहां पे हमें ये इजीली नजर नहीं आएंगे। नेक्स्ट हम बात करें, दे हैव सेंसिटिव हियरिंग एंड शार्प आईज साइट विच हैव टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स एंड कैच देयर प्रे। अब इनके पास में क्या होता है, कुछ ऐसा हैबिटेट्स हैं जिसकी वजह से एक तो इनको शिकारियों से बचने में हेल्प मिलती है, और इसी के साथ में इनका जो शिकार होता है, इनकी जो सेंस वाली जो पावर होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से ये अपना जो शिकार होता है वो इजीली सेंस कर लेंगे और उसको जा करके पकड़ के खा जाएंगे। ठीक है ना, फटाफट से देख लीजिए। क्लियर है, चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइगर के पास में कौन सा अडेप्टेशन होगा, तो सिंपल सी बात है, टाइगर टीथ आर एन अडेप्टेशन, जो उसके टीथ होते हैं वही उसके लिए अडेप्टेशन है। टाइगर्स हैव स्ट्रॉन्ग जॉ विद बिग टीथ दैट हेल्प्स देम किल चीव एंड टियर एंड बाइट। भाई एक बार बताओ, उसके जो टीथ होते हैं उन्हीं से तो वो क्या करता है, सब काम करता है, उसको चीरना, उसको फाड़ना, उसको चीप करना, सब कुछ उसी से करेगा। ठीक है, तो उसके पास में जो उसकी हैबिटेशन है, या एक तरीके से उसके पास में जो सबसे स्ट्रॉन्ग पावर है वो है उसका टीथ। ठीक है, एज इट इज इसको देख लीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फटाफट से, अडेप्टेशन ऑफ लोयन टेल्ड मास्क्यू, जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा, द लोयन टेल्ड मास्क्यू मोस्टली लिव्स ऑन ट्री, इट फीड्स ऑन फ्रूट्स लीव्स स्टेम फ्लावर बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स विच इट गेट्स फ्रॉम द ट्रीज, और ये इजीली क्या है, इनको प्राप्त कर सकते हैं, इजीली यहां से सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है ना, चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने इसको नहीं देखा था, ठीक है ना, ये थोड़ा सा हमारे लिए एडवांस है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फटाफट से, अडेप्टेशन ऑफ मंकी, मंकी भी हम थोड़ा सा जो है स्किप कर चुके थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अडेप्टेशन ऑफ मंकी की अगर अपन बात करें तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, ये कहाँ पे रहते हैं, ग्रुप वगैरह में रहते हैं, और जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, जो ट्री वगैरह होते हैं वहीं पर रहेंगे। ठीक है ना, और आप लोगों ने मंदिरों वगैरह में भी देखा होगा, इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, मंकीज लिव ऑन ट्री, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात करी, दे हैव लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रैस्पिंग ब्रांचेस, ताकि ये क्या हो सके, इजीली इनको पकड़ सके। ठीक है ना, ब्रांचेस वगैरह को पकड़ने में हेल्प करती है। देयर हैंड्स एंड फीट ऑल्सो हेल्प देम टू होल्ड ऑन द ब्रांचेस, तो जिनके जो हाथ वगैरह होते हैं, इनके जो पैर वगैरह होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से जो है ट्री वगैरह पे मस्ती करते हुए नजर आ जाते हैं। ठीक है ना, जिस तरीके से आपको यहां पे नजर आ रहा होगा, फटाफट से देखिए इसको एक बार। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल से, बहुत ही जल्दी जल्दी अपन को रिवीजन करना है बेटा, फटाफट से देख लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने,
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रेन के बारे में हम बात करते हैं। द ग्रेटर द ह्यूमिडिटी मोर द चांस ऑफ रेन। रेनफॉल इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट नोन एज रेन गेज, जैसा कि आपको नीचे की तरफ नजर आ रहा होगा। रेन गेज इज बेसिकली इज मेजरिंग सिलेंड्रिकल विद अ फनल ऑन टॉप ऑफ कलेक्ट रेन वॉटर। In India, rain is mainly brought by the two kinds of humidity, laden मतलब लदा हुआ winds, जो भारी हवाएं होती है ना, तो भारी हवाओं की वजह से ही इंडिया में क्या होता है कि वो जो बारिश वगैरह होती है वो होता है। नेक्स्ट हम बात करें, दीज आर द साउथ वेस्ट मानसून, जो हमारे यहाँ पे नजर आता है जून से लेकर के सितंबर की अपन बात करें, जैसा कि अभी मानसून का ही टाइम चल रहा है, विच ब्रिंग्स हैवी रेन टू मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून की अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता होगा नवंबर और मार्च के टाइम पे, जो जनवरी का टाइम होता है तो आप लोगों को पता होगा कि उस टाइम में हमें थोड़ी सी बरसात देखने को मिलती है, ठीक है। और ये कैसी होती है, लाइट होती है। और जो इस वाली साइड की हम बात करें जो जून से सितंबर के टाइम पे होगी, ये कैसी होगी, हैवी होगी, ठीक है ना, हैवी रेन होगी। फटाफट से एज इट इज रेन के बारे में लिख लीजिए। हमने इससे पहले वाली क्लास में, या हम ये कहें कि जो इससे पहले हमने क्लास ली थी, उस क्लास के अंदर हमने ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। तो हमने देखा था कि जो विंड्स वगैरह चल रही थी उसमें वॉटर है ना, और अगर मान लीजिए ह्यूमिडिटी से ज्यादा हो जाएगी तो उसको हम कहेंगे रेन, ठीक है ना। फटाफट से देख लीजिए, द ग्रेटर द ह्यूमिडिटी मोर द चांस ऑफ रेन। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं फटाफट से डाइजेस्टिव वाले पार्ट्स के ऊपर। डाइजेशन इज द प्रोसेस ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म। भाई जो हम फूड खा रहे हैं या जो भी फूड हम ले रहे हैं, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड हो, लेकिन वो है क्या, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको सोल्यूबल और सिंपलर फॉर्म में चेंज करती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। अब इस डाइजेशन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, ये चीज हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, एक बार फटाफट से रिविजन करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, तो हमारी बॉडी के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, कौन सी स्टेप्स होती हैं, पांच स्टेप्स होती हैं, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इंजेशन के बारे में, नेक्स्ट जो होता है वो होता है डाइजेशन, थर्ड की अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन, फोर्थ जो स्टेप्स होती है उसका नाम होता है असिमिलेशन, और लास्ट जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है उसे कहा जाता है इंजेशन। तो इंजेशन की हम बात करते हैं, इनटेक ऑफ फूड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इन द एनवायरनमेंट। अब हम सिंपल सी बात है, जो फूड ले रहे हैं अब वो कहीं से भी लें, चाहे वो प्लांट्स फूड की खाएं, प्लांट से ले रहे हों, चाहे हमारी घर पे से हम खाना बना करके खा रहे हैं, तो हम खाना तो ले रहे हैं ना, कैसे भी ले रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो इंजेशन होता है वो क्या होता है, सिंपली इनटेक ऑफ फूड होता है। क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड होता है। नेक्स्ट हम बात करें डाइजेशन, तो डाइजेशन का मतलब आपने जो फूड लिया है इसको सोल्यूबल फॉर्म में चेंज करना, इसको सिंपलर फॉर्म में चेंज करना। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इंटू सोल्यूबल फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस एंड एंजाइम्स। नेक्स्ट हम बात करें एब्जॉर्प्शन के बारे में, तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, द पासिंग ऑफ सोल्यूबल सिंपल फूड इनटू ब्लड स्ट्रीम ऑफ द एनिमल। नेक्स्ट हम बात करते हैं असिमिलेशन के बारे में, द फूड मॉलिक्यूल्स कैरीड बाय द ब्लड आर एब्जॉर्ब्ड बाय आर बॉडी सेल्स। नेक्स्ट हम बात करें इंजेशन, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। फटाफट से देख लो बेटा एक बार, ठीक है ना। और इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में भी अपन बात करेंगे, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो होगा हमारा माउथ, इसोफेगस क्या होता है, फूड पाइप, स्टमक की अगर हम बात करते हैं तो हमारे स्टमक के अंदर किसका डाइजेशन होता है,
प्रोटीन का स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम होगा इसे कहा जाएगा एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहा जाएगा? दीज आर जॉइंट टूगेदर इन अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। एसेसरी ऑर्गन ऑल्सो हैव द डाइजेशन सिस्टम सच एज लीवर एंड पैनक्रियास। जो यहाँ पे अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हेल्प करते हैं जो अदर ऑर्गन है वो है हमारे पास में लीवर और पैनक्रियास। फटाफट से देखिए, चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रिपेयरिंग द डाइजेस्टिव प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है? इंजेशन होता है। भाई कोई भी चीज को डाइजेस्ट करना है तो सबसे पहले खाना तो खाना पड़ेगा ना यार, ठीक है ना? तो सबसे पहले अपन ने खाना खाया, ठीक है। अब उसको खाना खाने के बाद में वो किस में जाएगा? सोल्यूबल फॉर्म में जाएगा। अब सोल्यूबल फॉर्म में जाने के लिए वो कौन कौन से ऑर्गन से होकर के गुजर रहा है, वहां से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना? तो इंजेशन की हम बात करते हैं, फूड इज टेकन इनटू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जैसे कि हम बात करते हैं माउथ के अंदर ले लेंगे। नेक्स्ट हम बात करें मैकेनिकल ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड। मैकेनिकल का मतलब क्या हुआ? जहां पे कोई भी चीज देखो, जहां पे मशीन का यूज हो रहा हो। अब हमारे जो टीथ है एज अ मशीन की तरह यूज हो रहे हैं, है ना? अब जो हमारे टीथ होते हैं वो क्या करते हैं? फूड को छोटे 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 पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। यहां पे जो प्रोसेस होती है इसे कहा जाता है बेटा मैकेनिकल प्रोसेस। क्या कहा जाता है? मैकेनिकल प्रोसेस कहा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो है मैस्टिकेशन के बारे में, ठीक है? ध्यान रखिएगा, मैस्टिकेशन जो रिलेटेड होता है वो चीविंग वाले पार्ट से रिलेटेड होता है। अब फूड इज ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉल पीसेस, जो कि क्या होगा, जो हमारी टीथ है, हमारी जो टीथ है और जो सलाइवा का जो सिक्रेशन हो रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा कि हमारे जो टीथ है उन्होंने क्या किया, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया और हमारी जो टंग है उस छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर सलाइवा को मिक्स कर दिया, ठीक है? दिस प्रोसेस इज नोन एज मैस्टिकेशन, ठीक है? क्या कहा जाएगा? मैस्टिकेशन कहा जाएगा। और अब इस छोटे छोटे पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं हमारे पास में। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर में, तो इंसिजर्स हो जाएंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट हम बात करें केनाइन हो जाएंगे, नेक्स्ट हम बात करें प्रीमोलार्स हो जाएंगे और नेक्स्ट हम बात करें तो मोलार्स हो जाएंगे। हम लोगों ने पहले पूरा का पूरा डिस्कस किया हुआ है, बस यहां पे हमें एक बार रिवीजन करना है फटाफट फटाफट और फास्ट। नेक्स्ट हम बात करें सलाइवा का सिक्रेशन होना, ठीक है? सलाइवा का सिक्रेशन कैसे होता है? हमारी जो माउथ है, हमारा जो माउथ है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसका काम क्या होता है? सलाइवा का सिक्रेशन करना, वाटरी सब्सटेंस का सिक्रेशन करना, ठीक है? फटाफट से देखिए, हो गया बेटा, लिख लीजिए फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फटाफट से। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ फूड इनटू सिंपल एंड स्मॉल मॉलिक्यूल बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स टू डिफ्यूज थ्रू द गट वॉल। और कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे? तो माउथ एंड बकल कैविटी है, फेरिंग्स हो जाएगा, इसोफेगस जिसे फूड पाइप भी कहा जाता है, स्टमक भी होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, फर्स्ट ड्यूडिनम, सेकंड जेजुनम और थर्ड क्या होता है? इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन तो होते ही है, सीकम कोलन एंड रेक्टम भी होते हैं। फटाफट से उतार लीजिए, देख लीजिए इसको एक बार।
देखिए बेटा, फिर हम बात करते हैं द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री केनाल एंड द एसोसिएट्स डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, अब एक बार बताइए, इसके साथ में या हम बात करें जैसे हमारी जो बॉडी है वो डाइजेस्ट तो कर ही रही है, लेकिन इसमें और कौन कौन सी चीजें हेल्प कर रही है? तो हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है वो हेल्प कर रही है ड्यूरिंग डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट आर हाइड्रोलाइज्ड इनटू ग्लूकोज, तो जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज के अंदर। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो ये एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और फैट्स की हम बात करें तो वो फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एक ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी उसको क्या करती है, सबसे सिंपलर फॉर्म के अंदर चेंज कर देगी। क्या कर देगी? सिंपलर फॉर्म के अंदर चेंज कर देगी, सोल्यूबल फॉर्म के अंदर चेंज कर देगी, और ये जो चेंज हो रहा है दैट इज नोन एज डाइजेशन। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। देखिए इंजेशन, वापस से इंजेशन आ चुका है हमारे पास में, लेकिन यहां पे कुछ एक डिफरेंट और बहुत ही अलग ही वे में आया है। माउथ की अगर हम बात करते तो माउथ में हमारे क्या क्या प्रेजेंट होता है बताओ फटाफट से। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है टीथ, टंग, पैलेट। टीथ, टंग, पैलेट प्रेजेंट होते हैं, और माउथ के अंदर आप लोगों को पता है कि मैकेनिकल क्या होता है, डाइजेशन होता है, और मैकेनिकल डाइजेशन में कौन हेल्प कर रहा होता है? टीथ हेल्प कर रहे होते हैं, और टीथ क्या करते हैं? फूड का ब्रेकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, फूड को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा क्या होता है? केमिकल डाइजेशन भी होता है। केमिकल डाइजेशन किसकी वजह से होगा? सलाइवा की वजह से होगा। अब सलाइवा क्या करेगा? सलाइवा जो होता है हमारे फूड के अंदर जो स्टार्च है उसको माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है स्टार्च, और स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया जाता है माल्टोस में, और माल्टोस को जो कन्वर्ट कर रहा है, सॉरी, जो स्टार्च को कन्वर्ट कर रहा है माल्टोस में वो होता है केमिकल, या हम एक तरीके से बात कर सकते हैं जो एंजाइम होता है उसे कहा जाता है टाइलिन। क्या कहा जाएगा? टाइलिन कहा जाएगा। देखिए यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा सलाइवा है एज अमाइलेज। ठीक है, ये जो एंजाइम होगा सॉरी बेटा, देखिए आते हैं फटाफट से। देखो सलाइवा की हम बात कर रहे थे जो अमाइलेज की तरह वर्क होगा एंजाइम डाइजेस्टिव। और नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि यहां पे आपको नजर आ रहा होगा म्यूकस वगैरह है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें प्रोटेक्ट द सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करें लुब्रिकेट द फूड इजियर, ताकि फूड को इजीली स्वेल, मतलब हम जो है एंगल्फ कर सके, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें बफर्स द न्यूट्रलाइज्ड एसिड टू प्रिवेंट द टूथ डिकिंग। नेक्स्ट हम बात करें एंटी बैक्टीरियल केमिकल के बारे में, किल द बैक्टीरिया दैट एंटर माउथ विद द फूड। ठीक है, तो हमारे माउथ के अंदर देखिए कितनी सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है ना। यह सब कुछ हमारे माउथ के अंदर ही हो रहा है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब माउथ के अलावा हमने माउथ तो पढ़ ही लिया है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, क्या क्या हो रहा है यहां पे जो है बैक्टीरिया भी किल हो रहे हैं। इसोफेगस का क्या काम होता है? इसोफेगस सिर्फ और सिर्फ फूड को स्टमक तक पहुंचाएगा और कुछ नहीं करेगा, फूड को स्टमक तक पहुंचाने का काम है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें स्टमक के अंदर, तो स्टमक के अंदर क्या होता है? प्रोटीन का डाइजेशन होता है, क्योंकि यहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं? हाईली एसिडिक मीडियम होता है HCl की वजह से, हाईली एसिडिक मीडियम होता है HCl की वजह से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से यहाँ का जो मीडियम होता है वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है, जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करें फिर इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड जो होता है वो मैक्सिमम टाइम तक रहता है, और यहाँ पे लीवर से आने वाला बाइल जूस और पैनक्रियास से आने वाले जो जूसेस होते हैं वो यहाँ पे आकर के क्या होंगे, हमारे फूड को कंप्लीट डाइजेस्टिव, हम एक तरीके से कहते हैं हमारे फूड को कंप्लीट डाइजेस्टिव फॉर्म के अंदर चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन होगा यहाँ पे फूड में से जो वॉटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो होगा। नेक्स्ट रेक्टम, यहाँ पे जो वेस्ट फूड होगा या हमारी बॉडी का जो वेस्ट पार्ट होगा वो यहाँ पे आकर के इकट्ठा हो जाता है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फंक्शंस की अपन बात करें, इंजेशन, मेस्टिकेशन और प्रोपुलेशन लेशन की अगर अपन बात करें, देखिए पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से रिलेटेड है। क्या है? देखिए ये जो फूड है ना ये हमने एंगल्फ कर लिया,
ये फूड हमने क्या किया है, एनगल्फ किया है। इस फूड को एनगल्फ करने के बाद में ये जो फूड है इसे क्या कहा जाएगा, बोलस। क्या कहा जाएगा बेटा, बोलस कहा जाएगा। अब ये जो बोलस होगा, बात को समझिएगा, ये जो बोलस होगा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू क्या होगा, हमारे स्टमक तक पहुंच चुका होगा। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। यहां पे आज हमारा रिवीजन बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया है, हमारा रिवीजन बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में अपन स्टडी करेंगे बहुत जल्दी। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से आप लोगों को क्या करना होगा, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है, वो ये कि बेल आइकन आप लोगों को प्रेस कर देना होगा। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये, देखिए हम लोगों ने तीन रिवीजन करे हैं। फर्स्ट वाले में हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, सेकंड वाले में हमने रेस्पिरेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझा, और थर्ड वाले के अंदर हम लोगों ने वेदर क्लाइमेट एडेप्टेशन और न्यूट्रिशन, मतलब हमारे सभी चैप्टर्स वापस से क्या हो गए हैं, कवर हो गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को रिवीजन तो देखना ही देखना है, क्योंकि रिवीजन में हमने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिखे हैं। ठीक है, ताकि हमारी जो रिवीजन है वो बहुत ही शानदार और जबरदस्त हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ओके, थैंक यू, बाय।